नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और पिछली बार जैसा आपने देखा, हमने सर्वनाम पढ़ा था। सर्वनाम समाप्त करने के बाद उसी सिलसिले में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा शुरू करते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 के, जो है विशेषण। आज हमारी चर्चा प्रारंभ होती है विशेषण से। मित्रों, विशेषण, विशेषण शब्द का अर्थ क्या है? पहला प्रश्न तो हमारे मस्तिष्क में यही उठता है कि भाई हम विशेषण कहते हैं तो विशेषण का अर्थ क्या है। विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाला। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि ठीक है, अगर विशेषण विशेषता बताता है तो किसकी विशेषता बताता है? ठीक, तो एक चीज यहां आपके साथ मित्रों मैं बहुत ही बढ़िया बात शेयर करूंगा, गौर करेंगे। किसी भी वाक्य के तीन ही मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म और क्रिया। ये वाक्य के तीन मुख्य अंग हैं। इसके अतिरिक्त जो भी वाक्य में आता है वो इन्हीं तीनों के भाग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो वाक्य के तीन मुख्य अंग हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब इसमें हम एक खास बात देखें, इन तीनों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, इन तीनों की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन एक यहाँ खास बात निकल कर आती है मित्रों, कि इन तीनों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कर्ता और कर्म, ये दोनों आपने देखा होगा संज्ञा के पर उसमें जो है परिपेक्ष में, ये दोनों सदैव या तो संज्ञा होंगे या तो सर्वनाम। कर्ता और कर्म या तो संज्ञा होंगे या तो सर्वनाम, और क्रिया किसका बोध कराती है? कार्य का। तो इस तरह से इन तीनों को भी हमने दो भागों में बांट लिया। और दो भागों के बीच एक अंतर है, क्या? ये संज्ञा और सर्वनाम का बोध कराते हैं जबकि क्रिया कार्य का बोध कराती है। इसीलिए मित्रों कर्ता और कर्म अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और क्रिया कार्य का बोध कराती है। इसलिए कार्य, संज्ञा और सर्वनाम के बीच के अलगाव को दर्शाने के लिए हम क्रिया के साथ विशेषण जब आता है तो क्रिया जोड़ देते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले को कहते हैं क्रिया विशेषण। इस तरह से हमने देखा वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यही चीज़ हमने परिभाषा में दी है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं मित्रों, गौर करिएगा। हमने एक पहले साधारण सा उदाहरण लिखा है, मोटा लड़का। संज्ञा प्रकरण में आपने देखा लड़का कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़का शब्द यहाँ संज्ञा है, और लड़के की विशेषता है कि वह मोटा है, इसलिए मोटा शब्द क्या हो गया? विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए लड़का शब्द हो गया विशेषण। अब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, मोहन की गाय लाल है। मोहन की गाय लाल है। अब यहाँ देखिए गाय शब्द संज्ञा है, और गाय की विशेषता है कि वह लाल है, इसलिए लाल क्या हो गया? विशेषण। ठीक, तो संज्ञा की विशेषता बताने के कारण लाल शब्द विशेषण हो गया। तो इन दोनों उदाहरणों से भी हमने यही बात सिद्ध की कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक, अब विशेषण के बाद हम दूसरी मुख्य चर्चा पर आते हैं जिसे कहते हैं विशेष्य। अभी आपने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो भाई अगर विशेषण शब्द किसी की विशेषता बता रहा है तो यह भी तो तय है कि यदि वह विशेषता बता रहा है तो किसी की विशेषता बताएगा, और जिसकी विशेषता बताएगा उसी को कहते हैं विशेष्य। यही चीज हमने परिभाषा में भी लिखी है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते। और विशेषण ने किसकी परिभाषा बताई थी? जो है संज्ञा की या तो सर्वनाम की। तो इस तरह से हम यहां यह भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का जो पद होता है वही विशेष्य होता। एक उदाहरण लेकर देखें, हमने यही उदाहरण लिया है सेम टू सेम पुराना वाला आपको समझाने के लिए, मोटा लड़का। अब इस उदाहरण में हमने ये देखा कि लड़का शब्द संज्ञा है,
और लड़के की विशेषता है कि वह मोटा है, तो संज्ञा की विशेषता होने के कारण मोटा शब्द तो विशेषण हो गया, लेकिन मोटा विशेषता किसकी बता रहा है? लड़के की। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। एक उदाहरण और लेते हैं। पेड़ की डाल पर तीन कबूतर बैठे थे। अब यहां आप देखें मित्रों, कबूतर शब्द संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, तो कबूतर संज्ञा है। कबूतर की विशेषता है कि वो तीन है, ठीक, इसलिए तीन शब्द विशेषण हो गया, लेकिन तीन किसकी विशेषता बता रहा है? कबूतर की, और इसलिए कबूतर क्या हो गया? विशेष। तो आप विशेष से समझ गए। लेकिन यहां मित्रों आपसे एक बहुत अच्छी बात और चर्चा करता चलूं, एक बात ध्यान रखना कि हर विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम होता है, यह तो सत्य है, लेकिन हर संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य हो यह जरूरी नहीं। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, हर चोर इंसान होता है। भाई गाय भैंस को चोरी नहीं करते, अगर गाय आपके खेत में खा लेती है उसे चोरी नहीं करते, कुत्ता घर से रोटी लेकर चला जाता है उसे चोरी नहीं करते, अगर इंसान रोटी लेके जाता है तो उसे चोरी करते हैं। तो हमने इसी बात को आपको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लिया है कि हर चोर इंसान होता है, लेकिन क्या हर इंसान चोर होता है? नहीं, हर इंसान चोर नहीं होता, जो चोरी करता है वही चोर होता है। इसी तरह से मित्रों, हर विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम होता है, यह तो सत्य है, लेकिन हर संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य हो यह सत्य नहीं है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण लगा होगा वही विशेष्य होगा, जिसके साथ विशेषण नहीं लगा होगा वह विशेष्य नहीं होगा। जैसे आप यहां देखें, इस वाक्य में तीन संज्ञा पद आए हैं, पेड़, डाल और कबूतर, तो यहां संज्ञा पदों की संख्या कितनी है? तीन। लेकिन इन तीनों में से केवल कबूतर एक ऐसी संज्ञा है जिसके साथ विशेष्य लगा है, न तो डाल के साथ कोई विशेष्य है, न तो पेड़ के साथ कोई विशेष्य है। कबूतर एकमात्र ऐसी संज्ञा है जिसके साथ विशेषण लगा है, न तो डाल के साथ कोई विशेषण है, न पेड़ के साथ कोई विशेषण है। तो इसलिए डाल और पेड़ संज्ञा होते हुए भी विशेष्य नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके साथ कोई विशेषण नहीं है। कबूतर ही एकमात्र इसमें ऐसी संज्ञा है जो विशेष्य होगी, क्योंकि इसके साथ तीन विशेषण लगा। तो इस बात को हमेशा गौर करें मित्रों कि हर संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य हो यह जरूरी नहीं है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण लगा होगा वह विशेष्य होगा, जिसके साथ विशेषण नहीं लगा होगा वह विशेष्य नहीं। अब इसके बाद विशेष्य की चर्चा कर ली हमने, विशेषण की चर्चा कर ली हमने, अब आते हैं विशेषण के भेद। एक जोरदार जुगाड़ आपके लिए, मैंने कहा हर जगह ट्रिक, हर जगह जुगाड़, एक जोरदार जुगाड़ आपके लिए। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं विशेषण शब्द के कितने रूप जो है भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण कितने प्रकार का होता है। आपके लिए जुगाड़, लिख दीजिए विशेषण और गिन दीजिए 1, 2, 3 और 4। इस तरह से विशेषण के कितने भेद हो गए? 4। वी से स ड, 4 भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। ये 4 भेद हैं विशेषण के। अब इन चारों भेदों में से मित्रों हम एक एक भेद लेते हैं और उस भेद की चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं सार्वनामिक विशेषण। इस विशेषण को बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा विशेषण है जिसे समझना है। बाकी तीन इतने आसानी से मैं आपको समझा दूंगा जिसमें कुछ नहीं, बस इसे ध्यान से समझें। सार्वनामिक विशेषण, देखिए सार्वनामिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों का मतलब इसमें मूल शब्द है सर्वनाम और एक लगा है प्रत्यय। ठीक, सर्वनाम का मतलब सर्वनाम होता है जो संज्ञा के बदले आते हैं, एक का मतलब है बना, और विशेष का विशेषण का मतलब है विशेषण या विशेषता बताने वाला।
अर्थात वह विशेषण जो सर्वनाम से बनता है उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। देखिए कितनी आसानी से हमने इसी शब्द से निकाल दिया जो है कि जो विशेषण सर्वनाम से बनता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर इसी परिभाषा को हम थोड़ा सा और व्यवस्थित करके कहना चाहें तो हम कह सकते हैं जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें मित्रों, यह अजय की साइकिल है। सर्वनाम के प्रकरण में हमने इस बात को देखा था कि अजय की साइकिल, ये पूरा का पूरा पद क्या है, संज्ञा का है, ठीक। और अजय की साइकिल को निश्चित करता है कौन, यह उसकी विशेषता बताता है कि भाई एकदम फिक्स है, श्योर है, यह अजय की ही साइकिल है, अजय को छोड़ किसी दूसरे की साइकिल नहीं है, ठीक। तो इसलिए यह यहाँ सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और साथ ही गौर करें मित्रों कि साइकिल की विशेषता जो है कि भाई इसने जो साइकिल की स्थिति को, अजय की साइकिल की स्थिति को निश्चित किया, वो इसकी विशेषता भी बन गई। और इस तरह से यह सर्वनाम भी है और प्लस विशेषण भी है और दोनों मिलाकर बन गया सार्वनामिक विशेषण। पिछले साल का पेपर ध्यान से देखें, यही प्रश्न इसी तरह का हूबहू प्रश्न दिया था यह लगा करके, और पूछा था, जैसे इसी प्रश्न को हम उदाहरण के रूप में ले लें तो यही प्रश्न देकर के चार विकल्प बनाया, उसने यह को कर दिया अंडरलाइन और पूछा यहां यह शब्द है। पहला विकल्प लिख दिया सर्वनाम, दूसरा विकल्प लिख दिया संज्ञा, तीसरा विकल्प लिखा सार्वनामिक विशेषण और चौथा विकल्प लिखा क्रिया। अब अधिकांश बच्चों ने क्या किया कि हड़बड़ाहट में पहला विकल्प पढ़ा सर्वनाम और देखा कि भाई यह तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, वहीं मार करके टिक मार कर आगे बढ़ गए, बाकी पढ़ा ही नहीं। और वे गलत कर गए, क्यों, क्योंकि यह के यहां दो गुण हैं। अगर हम केवल सर्वनाम कहते हैं तो एक गुण की बात करते हैं, दूसरा छूट जाता है। क्या दो गुण है, यह सर्वनाम भी है प्लस विशेषण भी है। इसलिए सही उत्तर था सार्वनामिक विशेषण। क्यों, सार्वनामिक विशेषण कहने से दोनों गुण आ गए, सर्वनाम और विशेषण, ठीक। आइए अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। यहां देखते हैं, हमने अगला वाक्य लिखा, किसी लड़के ने दरवाजा बंद किया, ठीक। अब देखो मित्रों, लड़का शब्द संज्ञा है और किसी लड़के की जो है विशेषता बता रहा है, भाई कोई लड़का है। अब भले ही वह अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, लेकिन वह अनिश्चितता ही उस लड़के की विशेषता बन गई है। इसलिए यहां किसी शब्द सर्वनाम है और लड़के की विशेषता भी है, इसलिए यह हो गया सर्वनाम प्लस विशेषण इक्वल टू सार्वनामिक विशेषण। अगला एक उदाहरण पर और चर्चा करते हैं मित्रों। दरवाजे पर कोई मेहमान खड़ा है। अब देखिए, मेहमान शब्द संज्ञा है, अतिथि मेहमान संज्ञा है, और मेहमान की विशेषता है कि वह कोई है, तो कोई के कारण वह सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और प्लस मेहमान की स्थिति को अनिश्चित किया जाना उसकी विशेषता बन गई, इसलिए यह सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, दोनों मिलाकर हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब आपसे इतनी चर्चा के बाद सार्वनामिक विशेषण की कुछ मूल बातें बता दूं, गौर करें और इस चीज को एकदम ध्यान दें। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आता है और उसकी विशेषता बताता है, तब वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता। दूसरी बात गौर करें मित्रों, दो पॉइंट यहां बहुत महत्वपूर्ण हमने लिखे हैं। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, हम, यह, वह, आप, जैसे जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, और निजवाचक सर्वनाम आप, ये कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होते। मतलब यदि किसी संज्ञा के साथ कोई पुरुषवाचक सर्वनाम लगा है तो वो सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। उसका कारण है मित्रों, देखिए विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जो संज्ञा या सर्वनाम को ही हटा दे तो वो उसकी विशेषता कहां बनाया, उसने तो उसको भगा दिया और उसकी जगह खुद बैठ गया। और ये काम करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम,
पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है भाई? जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसके बदले आता है, और सार्वनामिक विशेषण क्या होगा? संज्ञा के साथ आएगा। तो इसलिए ये संज्ञा के स्थान पर आता है, इसलिए कभी विशेषण नहीं बनेगा। दूसरी चीज, निजवाचक सर्वनाम। आपने पिछले प्रकरण में देखा कि निजवाचक सर्वनाम क्या करता है, ये संज्ञा की विशेषता नहीं बताता बल्कि संज्ञा को ही बताता है। और संज्ञा की विशेषता बताने वाला सर्वनाम होगा, न कि संज्ञा को बताने वाला। इसलिए पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम कभी भी सार्वनामिक विशेषण नहीं होते। पॉइंट नंबर टू, निश्चयवाचक सर्वनाम सदैव सार्वनामिक विशेषण होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? सदैव सार्वनामिक विशेषण होते हैं। मतलब यदि किसी संज्ञा के साथ यह वह लगा दिख जाए और उसकी स्थिति को निश्चित करता दिख जाए तो आंख मूंद कर सार्वनामिक विशेषण मार दीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। और एक बात आपको और बता दूं मित्रों, 90% प्रश्न यही यह वह से ही बनता है सार्वनामिक विशेषण। इसलिए एकदम दिमाग में बिठा लें कि अगर किसी संज्ञा के पहले यह वह दिखे और उसकी स्थिति को निश्चित करता दिखे तो यह जान जाइएगा कि यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण की चर्चा करने के बाद हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो है संख्यावाचक विशेषण। मित्रों, नाम से ही स्पष्ट है, संख्या माने संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, ये संख्या कहलाती हैं। वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला या बताने वाला, विशेषण माने विशेषण। अर्थात जब कोई संख्या विशेषण का कार्य करे या जब कोई संख्या विशेषण को बताए तो वो कहलाती है संख्यावाचक विशेषण। या हम कह सकते हैं कि जब कोई संख्या विशेषण का कार्य करती है तो उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। बहुत आसान विशेषण है। जैसे एक उदाहरण देखिए आप, चौराहे पर तीन लड़के खड़े थे। अब तीन लड़के खड़े थे, लड़के शब्द क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और लड़कों की विशेषता है कि वे, पहली बात तो गौर करें, लड़के की विशेषता है कि वे तीन हैं। इसका मतलब तीन तो सबसे पहले हो गया विशेषण, संज्ञा की विशेषता बताने के कारण। दूसरी चीज, तीन शब्द क्या है? एक संख्या भी है, तो इसलिए तीन शब्द विशेषण और संख्या दोनों हो गया। अगर दोनों को एक साथ जोड़ दें तो इसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखो बेटे, भारत ने 10 सैनिकों को पकड़ा। अब सैनिक शब्द संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और सैनिक की विशेषता है कि वो संख्या में 10 हैं। तो 10 विशेषण है प्लस संख्या भी है, इसलिए ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब हम इसके बाद अपनी चर्चा को इसी क्रम में और आगे बढ़ाते हैं तथा यह देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो मित्रों, एक चीज विशेष रूप से ध्यान दें कि विशेषण का कार्य कर रही संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे हमने कहा भारत ने 10 सैनिकों को पकड़ा, अगर इसी वाक्य को हम कह दें भारत ने कुछ सैनिकों को पकड़ा, तो भाई कुछ मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, तो यहां संख्या तो है लेकिन संख्या कैसी है? अनिश्चित है। और संख्या के अनिश्चित होने के कारण यहां जो हमारा विशेषण संख्यावाचक होगा वो अनिश्चित हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद, संख्यावाचक विशेषण के भेद मित्रों, इसके दो भेद होते हैं। नंबर एक भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक, और दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हम पहली चर्चा उठाते हैं नंबर एक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए मतलब मित्रों, निश्चित शब्द हमने सर्वनाम में भी पढ़ा था कि निश्चय शब्द किससे बना है, निश्चित से। निश्चित का मतलब श्योर या फिक्स, मतलब जहां संख्यावाचक विशेषण तो हो लेकिन वह संख्या कैसी हो, निश्चित हो, उसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम कह सकते हैं कि जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या क्या हो, निश्चित हो, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या निश्चित हो तो उसे निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सड़क पर दस गाड़ियां जा रही थीं, सड़क पर दस गाड़ियां जा रही थीं। अब गौर करें मित्रों, यहां गाड़ियां शब्द क्या है, संज्ञा है, और गाड़ियों की विशेषता है कि वो संख्या में दस हैं, इसलिए दस तो हो गया पहले क्या, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन एक बात और है, दस का मतलब एकदम दस होता है, न तो दस का मतलब नौ, न दस का मतलब ग्यारह, दस का मतलब निश्चित रूप से दस, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। साथ ही संख्या कैसी है, निश्चित है। अगर दोनों को जोड़ दें तो यह हो गया हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण एकदम आसान है। अब हम दूसरे भेद की चर्चा करते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, और ये देखते हैं कि किसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो गौर करें मित्रों, निश्चित संख्यावाचक में जो संख्या निश्चित थी यदि उसी को अनिश्चित कर दिया जाए जो है, तो उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जब विशेषण का कार्य कर रही, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या अनिश्चित हो तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक, तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आदमी टहलने निकले थे। अब यहां आप देखें मित्रों, गौर करें, आदमी शब्द क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और आदमी की विशेषता है कि वे कुछ हैं, कुछ मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20। तो यहां कुछ शब्द संज्ञा तो संख्या तो है, ये संख्या है प्लस यह विशेषण भी है। भाई आदमी की विशेषता है कि वो कुछ है, इसलिए कुछ शब्द विशेषण भी है, संख्या भी है। लेकिन एक समस्या है, क्या यह संख्या है, विशेषण है, लेकिन संख्या कैसी है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। इसलिए अगर तीनों को जोड़ दें तो हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बस सीधा सा फंडा है मित्रों, ध्यान रखें, जब कोई विशेषण संख्या, जहां विशेषण बनी उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जब वह संख्या निश्चित हो, फिक्स हो, न एक कम न एक ज्यादा हो सकती हो, तो उसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक। लेकिन जब संख्या निश्चित ना हो, हम अनुमान लगा लें वहां कि कुछ कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जब ऐसी स्थिति बनती है तो उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, तो तब तक अब जो है मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले दोनों सब जो है विशेषण के भेदों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जो है
पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।